हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीएससी मैथ्स में बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन के टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए गामा फंक्शन के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। इसके पहले हम लोग बीटा फंक्शन पर कंप्लीट लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। ये मतलब ये कि बीटा फंक्शन क्या होता है, बीटा फंक्शन के प्रॉपर्टी कौन कौन से हैं, बीटा फंक्शन को किस किस फॉर्मेट ट्रांसफर किया जा सकता है, इस वो पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम पढ़े गामा फंक्शन और उसके प्रॉपर्टी, और उसके बाद आज हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन। तो गामा फंक्शन से संबंधित कौन कौन से बात हम पढ़े हैं उसको यहाँ पर हम लोग समराइज कर दिए हैं। गामा फंक्शन का डिफिनीशन हम लोग को ये दे देता है, गामा फंक्शन का डिफिनीशन ये देता है और प्रॉपर्टी से हम लोग को ये मिलता है। तो हम लोग को प्रूफ करना है अब फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन गामा एन इक्वल टू वन बाई एन जीरो टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एक्स पावर वन बाई एन डी एक्स और गामा एन प्लस वन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एक्स पावर वन बाई एन डी एक्स। प्रूव करते हैं इसको, ध्यान दीजिए। हम लोग क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि गामा फंक्शन का जो डिफिनेशन है वो क्या कहता है कि गामा एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी, लेकिन ध्यान रखना है कि ई का पावर माइनस एक्स है, ई का पावर क्या है माइनस एक्स। तो x के जगह t हो सकता है, y हो सकता है, t हो सकता है, q कुछ भी हो सकता है, कोई वेरिएबल। तो ऐसे ही अगर हम लोग इसमें देखें तो क्या करेंगे, यहां पर x का पावर 1 बाई एन, इस पूरे के स्थान पर क्या आना चाहिए, t आना चाहिए, चाहे y आना चाहिए, कुछ भी नया वेरिएबल। तो हम लोग क्या करेंगे, x पावर 1 बाई एन को मानेंगे। तो उसके लिए लिखते हैं सबसे पहले लेट i इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी e का पावर माइनस एक्स पावर वन बाई एन और ये डी एक्स, ठीक है। अब यहां से लिखते हैं पुट x का पावर वन बाई एन इक्वल टू टी। आप बोलेंगे कि आपको कैसे समझ में आया कि इतना ही इक्वल टी। तो अगर आप गामा फंक्शन के फॉर्म से इसको अगर आप मैच कराएंगे तो क्या देख रहे हैं, x का पावर वन बाई एन के जगह ही तो हमको केवल x चाहिए, एक नए वेरिएबल की बात करें तो टी चाहिए या वाई चाहिए। तो हम लोग क्या कि इसको टी मान लिए, और आप जानते हैं कि जब भी सब्स्टिट्यूट करते हैं उसको फिर डिफरेंशिएट भी करना होता है। तो इसको जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे ये हो जाएगा 1 बाई एन एक्स का पावर 1 बाई एन माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है ना। अब इसको लिख सकते हैं 1 बाई एन एक्स का पावर 1 बाई एन डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, देख सकते हैं ऐसे। अब x का पावर 1 बाई एन की जगह क्या लिखेंगे, t, तो ये हो जाएगा 1 बाई एन और ये हो गया t बाई एक्स और ये हो गया डी टी डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया डी टी। अब ये बात बताइए, यहां से हम लिख सकते हैं क्या कि x इक्वल टू t का पावर n, ये 1 बाई एन है इसके पावर में आएगा तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 1 बाई एन है तो n बाई 1 यानी n। तो यहां से हम लोग x के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, t का पावर n। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 1 बाई एन टी डिवाइडेड बाई टी का पावर n और ये डी एक्स इक्वल टू डी टी, सही है। ये भी हम लोग को dx का वैल्यू चाहिए, तो dx इक्वल टू यहां से क्या आएगा, देखिए dx इक्वल टू यहां ध्यान देंगे t का पावर n डिनोमिनेटर में है, इधर जाएगा तो न्यूमिनेटर में हो जाएगा, t का पावर n न्यूमिनेटर में है तो ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा, ये भी डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमिनेटर में हो जाएगा, यानी कि इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा डी टी। तो इस तरीके से आ गया डी एक्स इक्वल टू एन इंटू टी का पावर एन माइनस वन और ये डी टी, टी का पावर एन डिवाइडेड बाई टी, बेस सेम है तो इसके पावर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसका एन इसका वन एन माइनस वन। अब ये बताइए हम लोग को फिर लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, तो यहां लिखेंगे व्हेन, ध्यान दीजिए व्हेन x इक्वल टू जीरो देन t इक्वल टू कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा। जैसे ही x का वैल्यू इसमें जीरो पुट करेंगे t का वैल्यू क्या मिल जाएगा, जीरो का पावर 1 बाय n करेंगे तो जीरो ही आएगा। फिर लिखते हैं एंड व्हेन x इक्वल टू इन्फिनिटी देन, ध्यान देंगे x इक्वल टू इन्फिनिटी, यहां इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी का पावर 1 बाय n भी क्या आएगा, इन्फिनिटी ही आएगा, तो t इक्वल टू ही इन्फिनिटी ही आएगा। ये लिमिट आपको चेंज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये जो लिमिट है ये x वेरिएबल का है, हम लोग चेंज किस में कर रहे हैं, t वेरिएबल में, तो लिमिट भी निकाले हैं t वेरिएबल का, ठीक ना। अब यहां देखिए इसके बाद लिखते हैं नाउ, नाउ
आई इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग को, तो देखिए जीरो टू इन्फिनिटी ही रहेगा, लेकिन यहां पर भी यही है जीरो से जीरो आया, एक्स का वैल्यू जीरो रखेंगे तो जीरो का पड़ोस में ये जीरो, टी का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो जीरो टू इन्फिनिटी रहा। यहां से लिख सकते हैं e का पावर माइनस x पर 1 बाय n को क्या माने हैं t इनटू dx है, तो dx के स्थान पर ये पूरा n t का पावर n माइनस 1 और ये dt आएगा ऐसे। फिर यहां से n कांस्टेंट है इनको बाहर निकाल दीजिए, ये हो गया 0 टू इनफिनिटी e का पावर माइनस t और ये t का पावर n माइनस 1 और ये dt, i इक्वल टू है, सही है ना। अब ये बताइए हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं, बाय द डिफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन हम लोग क्या जानते हैं, तो हम जानते हैं कि गामा एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e का पावर माइनस x इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 dx, यहां लिखा गया है ये, तो इसी का यूज हम लोग यहां पर करेंगे, ठीक ना। देन इक्वेशन 1 बिकम्स, इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट माने तो क्या हो जाएगा, i इक्वल टू n तो रहेगा ना, ध्यान दीजिए अगर आप इसको और इसको देखेंगे तो ये x वेरिएबल में है और ये किस वेरिएबल में है, t वेरिएबल, तो किसी भी वेरिएबल में हो आएगा तो कितना, गामा n, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, गामा n हो जाएगा ऐसे। अब आप i इक्वल टू माने हुए हैं तो इसको ध्यान रखिएगा, ये अभी यूज में आने वाला है, तो क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं अभी कि i के स्थान पर क्या लिख सकते हैं इसको, तो देयरफॉर 0 टू इन्फिनिटी e का पावर माइनस x का पावर 1 बाई n dx इक्वल टू n इंटू गामा n लिख सकते हैं ऐसे, तो गामा n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये n इधर डिवाइड करेगा तो 1 बाई n 0 टू इन्फिनिटी और ये हो गया e का पावर माइनस x का पावर 1 बाई n और ये dx एंड दिस इज प्रूफ, ठीक है। तो ये प्रूव हुआ, ये अब ये देखिए, तो ध्यान देंगे हम जानते हैं क्या कि सिंस वी नो दैट गामा एन प्लस वन इक्वल टू एन इंटू गामा है, अभी यहां लिखे थे ना गामा का प्रॉपर्टी सब ये जानते भी हैं, तो इसका यूज हम लोग इसमें कर देते हैं, इसको अगर मान लेते हैं टू तो लिख देते हैं, देन इक्वेशन टू बिकम्स, इसके स्थान पर क्या कर सकते हैं, गामा एन प्लस वन, गामा एन प्लस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जीरो टू इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एक्स का पावर वन बाई एन और ये डीएक्स, और इस तरीके से हम लोग कहिए सेकेंड भी प्रूव हो गया, सही है ना। अब एक बात और ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करते हैं कुछ स्पेशल केस पढ़ लेते हैं, यहां से स्पेशल केस ये पढ़ रहे हैं कि If, क्या लिखिए, when लिखिए, when n इक्वल टू 1 बाई टू पुट कर दें, इसमें क्या कर दें, n के जगह पर 1 बाई टू पुट कर दें, तो यहां से क्या हो जाएगा, गामा 1 बाई टू हो जाएगा ऐसे, इक्वल टू देखिएगा n के स्थान पर 1 बाई टू पुट करना है, तो जब इसको उल्टा कर देंगे तो 1 बाई एन इक्वल टू क्या होगा, 2, तो इसके साथ लिख सकते हैं 2, और ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी e का पावर माइनस x का पावर, अब यहां ध्यान दीजिए 1 बाई एन के साथ भी इसको जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा और ये हो गया dx, लिख सकते हैं, तो ये हम लोग का हो गया ये एक नया रिजल्ट, ठीक ना, ये भी हम लोग का प्रूव होगा। अब इसी में थोड़ा सा और ध्यान देंगे हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि गामा 1 बाई टू इक्वल टू हम लोग को मिलेगा पाई, क्या मिलेगा पाई, तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन के रिलेशन में, और वो हम लोग का
टर्म क्या होगा, यहां देख लीजिए वह हो जाएगा, जब हम पढ़ेंगे प्रूफ इसका आपको आगे मिलेगा, गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन का डेफिनेशन पढ़ेंगे तब उस समय आपको प्रूफ मिलेगा, ठीक ना। तो देखिए ये लिख सकते हैं इसको टू अगर किधर क्या करेंगे डिवाइड कर देगा, या पहले टू रहने दीजिए, देखेंगे कि सिंस गामा वन बाई टू इक्वल टू, ध्यान दीजिए रूट पाई क्या होता है, गामा वन बाई टू इक्वल टू होता है रूट पाई, तो देयर फोर यहां से क्या हो जाएगा रूट पाई इक्वल टू, रूट पाई इक्वल टू टू, और ये हो जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा ऐसे, तो देयर फोर यहां से हो जाएगा क्या जीरो टू इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू रूट पाई बाई टू, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो आपको इसमें एक बात मानना पड़ा, कौन सा कि गामा वन बाई टू इक्वल टू कितना रूट पाई, इसका भी प्रूफ हम देखेंगे, लेकिन जब गामा फंक्शन भी पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद पढ़ेंगे गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन के रिलेशन में, जब आएगा टॉपिक तो हम लोग उस पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखते हैं सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन, तो देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन नंबर टू। सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग का गामा एन डिवाइडेड बाय जेड पावर एन इक्वल टू जीरो टू इनफिनिटी ई का पावर माइनस जेड एक्स इनटू एक्स का पावर एन माइनस वन डीएक्स। प्रूफ करते हैं इसको, इसको भी प्रूफ करने के लिए इसको हम लोग को आई मानना पड़ेगा, तो लिखते हैं लेट आई इक्वल टू और जीरो टू इनफिनिटी ई का पावर माइनस जेड एक्स इनटू एक्स का पावर एन माइनस वन डीएक्स, ठीक है। अब आप गामा फंक्शन के डिफिनेशन से आप जानते हैं गामा एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एक्स इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन डी एक्स आप ये जानते हैं, तो फिर आपको अगर आप देख रहे हैं तो आपको यहां पर क्या दिख रहा है ई का पावर माइनस एक्स, लेकिन यहां पर क्या है माइनस जेड एक्स है, तो जेड एक्स की जगह हम लोग क्या चाहिए टी चाहिए चाहिए वाई चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर जेड एक्स की जगह एक नया वेरिएबल मानते हैं, तो लिखते हैं लेट या पुट जेड एक्स इक्वल टू टी, ठीक है। अब यहां पर जेड जो है वह एक्स से क्या है इंडिपेंडेंट है, ठीक ना, ये समझे कि ये कांस्टेंट के जैसा बिहेव करेगा, तो जेड तो बाहर आ जाएगा और एक्स का क्या हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ये डी टी ऐसे आ जाएगा। अब यहां से लिख सकते हैं देयर फोर डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई जेड लिख सकते हैं यहां से। अब जब इसका वैल्यू इसमें पुट करें, अच्छा एक और बात लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा हम लोग को, तो लिखते हैं व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो देन, जैसे ही एक्स का वैल्यू इसमें जीरो पुट करेंगे टी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा जीरो, एंड व्हेन एक्स इक्वल टू अगर हम लोग इंफिनिटी पुट करेंगे तो इंफिनिटी इंटू जेड इंफिनिटी ही आएगा, देन टी इक्वल टू भी क्या आएगा इंफिनिटी। तो लिखते हैं नाउ आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए जीरो टू इन्फिनिटी है तो ये भी जीरो टू इन्फिनिटी ही रहा, तो जीरो टू इन्फिनिटी ही रहा, e का पावर माइनस में जेड एक्स की जगह क्या रखेंगे टी, तो माइनस टी इनटू एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, तो आप यहां से देखेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा टी बाई जेड आएगा, तो यहां से लिख सकते हैं टी बाई जेड का होल पावर एन माइनस वन, और डी एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे डी टी बाई जेड, तो ये रहा डी टी बाई जेड, और ये हो जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी ध्यान दीजिए ई का पावर माइनस टी इंटू टी का पावर एन माइनस वन, टी का पावर एम एस वन डिवाइडेड बाई जेड का पावर एन माइनस वन इंटू डी टी बाई जेड, सही है। अब ये बताइए जेड इसमें जब मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा जेड का पावर एन माइनस वन प्लस इसका पावर वन, तो क्या बचेगा जेड का पावर एन, तो यहां से ये आ जाएगा देखिए यहां से आ गया i इक्वल टू ये i इक्वल टू क्या आएगा, तो जीरो टू इन्फिनिटी e का पावर माइनस टी ये इंटू टी का पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई जेड का पावर n यहां से ये, और ये हो गया डी टी। अब यहां से वन बाई जेड का पावर n बाहर निकाल लीजिए, वन बाई जेड का पावर n को बाहर कर लीजिए, ये हो गया जीरो टू इन्फिनिटी e का पावर माइनस टी इंटू टी का पावर एन माइनस वन और ये डी टी ऐसे हो जाएगा। अब ये बताइए
फिर इसके स्थान पर गामा एन लिख सकते हैं, आप यहां देख सकते हैं केवल इसमें ये एक्स वेरिएबल में ये टी वेरिएबल है, तो वेरिएबल से तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं 1 बाई जेड का पावर एन और ये हो गया गामा एन, हो जाएगा ऐसे। तो हम लोग को क्या मिल गया यहां से, देखिए अब देखते रहिएगा किधर से किधर लिख रहा है, तो यहां से हो जाएगी ये 10, ये आई इक्वल टू ही आया है ना, तो आई इक्वल टू यानी कि आई का वैल्यू पूरा है 0 to infinity e का पावर माइनस जेड एक्स इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन डी एक्स इक्वल टू गामा एन डिवाइडेड बाई जेड पावर एन, यही ना, और फिर ये हो गया हम लोग का प्रूफ, ठीक है, ये हो गया हम लोग का प्रूफ। तो ये रहा सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन, अब इसके बाद देखते हैं थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन को, तो देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 3 एंड ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 4। तो ये थर्ड नंबर ट्रांसफॉर्मेशन, प्रूफ करते हैं इसको। तो सबसे पहले लिखते हैं लेट आई इक्वल टू 0 to 1 लॉग 1 by x का होल पावर एन माइनस वन डी एक्स। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि इसमें कहीं पर भी e का पावर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, और आप जानते भी हैं गामा फंक्शन के अनुसार गामा एन इक्वल टू 0 to infinity e का पावर माइनस एक्स इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन डी एक्स। तो एक बात तो यहां पर थोड़ा स्कोर इसको देखने से हिंट्स मिल रहा है कि यहां पर है x का पावर n माइनस वन, तो निश्चित रूप से log 1 बाई एक्स को हमको एक नया वेरिएबल में मानना पड़ेगा, यानी कि t मानना पड़ेगा। तो मानिए इसको लिखते हैं पुट log 1 बाई एक्स इक्वल टू t, देख सकते हैं ऐसा। अब आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसके लिए हम लोग एक फॉर्म जानते हैं, अच्छा एक फॉर्म लिखते हैं इसको, लिख सकते हैं इसको log, यहां बेस में कुछ नहीं है तो क्या है e, और यहां है 1 बाई एक्स इक्वल टू t, सही है ना। अब यही पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान ये देना है कि जैसे ही हम लॉग को हटाते हैं तो देखिए यहां पर क्या है 1 बाई एक्स और बेस में क्या है e, तो e तो रहेगा लेकिन इसके पावर में ये t आ जाएगा और ये 1 बाई एक्स यहां चला जाएगा, तो t इक्वल टू 1 बाई एक्स, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक ना, लॉग जैसे ही हटाएंगे। तो इसके बाद क्या करते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 1 बाई एक्स इक्वल टू e का पावर t, अब क्या करेंगे डिफरेंशिएट, तो जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे माइनस वन बाई एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा e का पावर t और ये डी टी हो जाएगा ऐसे। अब ये बताइए यहां से लिख सकते हैं माइनस वन बाई एक्स एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर और ये डी एक्स इक्वल टू e का पावर t और ये डी टी लिख सकते हैं, माइनस 1 बाई एक्स के स्थान पर क्या लिख सकते हैं e का पावर t, तो माइनस e का पावर t का होल स्क्वायर और ये dx इक्वल टू e का पावर t और ये dt आएगा ना ऐसे। अब ये बताइए यहां से देखिए हम लोग लिख सकते हैं इसके बाद ये इधर आके क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो dx इक्वल टू आ जाएगा dx इक्वल टू माइनस 1 बाई e का पावर t और ये dt, ध्यान दे दीजिएगा कैसे e का पावर t स्क्वायर है, जब इधर आकर डिवाइड करेगा तो एक को कैंसिल कर देगा तो एक तो बचेगा ना और माइनस भी आएगा, तो ये ऐसे आ गया, तो dx इक्वल टू आ गया माइनस e का पावर माइनस t और ये dt, ठीक है। अब चाहिए बिल्कुल लिमिट, तो लिख दीजिए यहां से when x इक्वल टू 0, x इक्वल टू देखिए 0, तो जब यहां 0 पुट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा 1 by 0, ध्यान देंगे 1 by 0, या आप चाहे तो आप यहां पर भी पुट कर सकते हैं, है ना, लेकिन यहां पर जो पुट करें तो ये आसानी से निकलेगा, तो x का वैल्यू क्या करेंगे 0 पुट करेंगे, तो जब 0 पुट करेंगे तो 1 बाई जीरो क्या आएगा इन्फिनिटी, क्या आएगा इन्फिनिटी, तो e का पावर t इक्वल टू क्या आ गया इन्फिनिटी, इसको हम लिख सकते हैं e का पावर इन्फिनिटी भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं इसे, तो यहां से t इक्वल टू क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, देन t इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाएगा, सही है। एंड व्हेन x इक्वल टू 1, देन ध्यान दीजिए जैसे ही x का वैल्यू क्या रखेंगे 1, तो 1 रखेंगे तो क्या होगा 1 by 1, तो e का पावर t इक्वल टू 1, इसको लिख सकते हैं e का पावर 0, लिख सकते हैं ऐसे,
तो ये ई सेम है, तो टी इक्वल टू क्या आ गया जीरो, देन टी इक्वल टू आ गया जीरो। अब यहां से लिखते हैं नाउ आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए जीरो है तो ये क्या आ गया इन्फिनिटी, वन है तो ये क्या आ गया जीरो आ गया ऐसे, और लॉग वन बाई एक्स के स्थान पर टी है तो टी का पावर एन माइनस वन, और डीएक्स के स्थान पर ये पूरा माइनस ई का पावर टी और ये हो गया डी टी। तो माइनस को तो बाहर कर लेते हैं और इसको लिख सकते हैं इन्फिनिटी टू जीरो और e का पावर माइनस टी इंटू टी का पावर एन माइनस वन डी टी, ऐसा लिख सकते हैं, इसको पहले कर दिए। आप जानते हैं कि जब लिमिट का लिमिट को क्या करते हैं चेंज करते हैं, यानी अपर लिमिट को लोअर लिमिट में, लोअर लिमिट को अपर लिमिट में, तो साइन चेंज हो जाता है। मतलब ये कि ये इन्फिनिटी टू जीरो है तो इसको जब जीरो टू इन्फिनिटी लिमिट को चेंज किया ना, तो ये जो साइन है क्या होगा चेंज, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, तो ये माइनस है प्लस में आ गया e का पावर माइनस टी और ये हो गया टी का पावर एन माइनस वन डी टी, ये क्या आया आई इक्वल टू आ जाएगा ना। अब आपको ये बाय द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, इसके साथ क्या होता है गामा एन, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कितना गामा एन लिख सकते, कैसे तो बाय द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन लिख सकते हैं ऐसा। तो मिल गया हम लोग को 10 आई के स्थान पर कितना ये 0 टू 1 लॉग 1 बाई एक्स का पावर एन माइनस वन डी एक्स इक्वल टू गामा एन एंड दिस इज प्रूफ्ड। ठीक है, तो ये रहा ट्रांसफॉर्मेशन नंबर थर्ड। अब देखिए फोर्थ नंबर ट्रांसफॉर्मेशन को प्रूफ करते हैं, इसको भी यही मानेंगे। तो लिखते हैं लेट i इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी, ये टू तो रहेगा जीरो टू इंटू जीरो टू इन्फिनिटी e का पावर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का पावर टू एन माइनस वन डी एक्स। ठीक है इतना, अब ध्यान दीजिए फिर आप देखेंगे इसको और इसको, तो जब इस दोनों को मैच कराएंगे तो क्या लिख रहा है e का पावर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर और यहां क्या है e का पावर माइनस एक्स माइनस एक्स, तो इसके स्थान पर यानी कि x x स्क्वायर के स्थान पर मानना पड़ेगा t, पुट करना पड़ेगा ना, तो पुट कीजिए पुट x x स्क्वायर इक्वल टू t, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x dx इक्वल टू कितना dt आ जाएगा ऐसे। अब ये बताइए यहां से हम लोग ये लिख सकते हैं इसको कि x dx इक्वल टू क्या मिल जाएगा हम लोगों, तो x dx इक्वल टू मिल जाएगा या dx का वैल्यू निकालिए ना सीधे सीधे, dx का वैल्यू क्या आएगा dt by 2x ऐसा आएगा। तो इसको हम लोग इसमें पुट करते हैं, लिखते हैं नाउ i इक्वल टू क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए 2 इंटू 2 तो रहेगा हाँ, लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, तो लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू जीरो देन जैसे ही x का वैल्यू जीरो पुट करेंगे t का वैल्यू भी क्या आ जाएगा जीरो, एंड व्हेन x इक्वल टू इन्फिनिटी देन x इक्वल टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी का स्क्वायर भी क्या आएगा इन्फिनिटी आएगा, देन t इक्वल टू क्या आएगा इन्फिनिटी, तो लिमिट तो सेम ही रहा जीरो पर जीरो इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी। अब यहां से आ गया e का पावर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर के स्थान पर क्या माने हैं t इंटू x का पावर, अब ध्यान देना है यहीं पर यहीं पर ध्यान दे रहा है x का पावर अगर ये 2n माइनस 1 है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या x का पावर 2n डिवाइडेड बाई x लिख सकते हैं, जो माइनस में 1 है वो क्या होगा बटन में आ गया यानी कि डिनोमिनेटर में आ गया, और dx के स्थान पर ये पूरा dt बाई 2x ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये बताइए इस टू से ये टू क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आई इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ई का पावर माइनस टी, फिर समझिए टू से ये टू कैंसिल हो गया तो बचा ई का पावर माइनस टी इंटू एक्स का पावर, यहां पर हम लिख सकते हैं एन का एक्स का पावर टू कर दीजिए या टू एन रहने दीजिए फिलहाल, और डिवाइडेड बाय कितना है ये देखिए एक्स एक्स, तो ये हो गया एक्स एक्स स्क्वायर और ये हो गया डी एक्स, हो सकता है
अब बताइए क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जीरो टू इन्फिनिटी ई का पावर माइनस टी इंटू एक्स का पावर ये 2n माइनस टू और ये डीटी है ना लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा। अब यहां से लिख सकते हैं इसको जीरो टू इन्फिनिटी ई का पावर माइनस टी इंटू ये टी रहेगा, नहीं सॉरी ये एक्स ही है ना, एक्स है, इसको लिख सकते हैं एक्स का पावर टू कॉमन ले लीजिए और लिख सकते हैं एन माइनस वन और ये हो गया डीटी, लिखा जा सकता है ना। चलिए बहुत अच्छा, ध्यान दीजिए। तो ये रहा i इक्वल टू क्या आएगा, यहां से देखिए जीरो टू इनफिनिटी ये e का पावर माइनस टी रहने दीजिए और यहां पर x का पावर टू और इसका पावर n माइनस वन और ये हो गया डीटी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए x के पावर टू को आप क्या माने हैं, t माने हैं, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ई का पावर माइनस टी इंटू टी का पावर एन माइनस वन और ये डी टी आ गया। और फिर यहां से गामा फंक्शन के डिफिनेशन के अनुसार इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, गामा एन, और वही हम लोग प्रूव भी करना है। तो आई इक्वल टू क्या आ गया, गामा एन बाई द डिफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, सही है। तो 10 हम लोग क्या प्रूफ किए, आई के स्थान पर लिख सकते हैं कितना, ये पूरा जीरो टू इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का पावर टू एन माइनस वन डी एक्स और इधर टू रहेगा इक्वल टू कितना, गामा एन, एंड दिस इज प्रूव्ड प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट किए गामा फंक्शन के ट्रांसफॉर्मेशन को। मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपका पढ़ाई बहुत अच्छे से चलता रहे। साथ ही साथ जितना अधिक से अधिक हो सके उतना अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।